रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर हैं। उन्होंने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा की। इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि भारत रूस में साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं और उन्होंने ये भी कहा कि भारत रूस के बीच दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत और भी ज्यादा ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी है। भारत हमेशा अपने रूसी मित्रों के साथ खड़ा रहा है और भविष्य में भी ऐसा ही करता रहेगा। बता दें कि पुतिन से मुलाकात से पहले राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे वेलोसोव से मुलाकात की थी। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम की दो बची हुई यूनिट को जल्दी डिलीवरी पर जोर दिया था। भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हुई थी और इस डील के तहत रूस भारत को अब तक 3 यूनिट S-400 सौंप चुका है। ये चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात है और S-400 रूस का एक लंबी दूरी का मिसाइल सिस्टम है। इसे 400 किलोमीटर की दूरी तक विमान, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच एक्सेलेंसी। हेज एक्सेलेंसी एंड्रू बेलुशोव, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ द रशियन फेडरेशन एंड द डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, नमस्कार। मॉस्को में मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर 21st इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन में आप सभी के साथ शामिल होकर हम सबको बेहद प्रसन्नता हो रही है। अपनी चर्चा शुरू करने से पहले मैं इस विजिट के दौरान मुझे और मेरे डेलीगेशन को दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत और हमारी मीटिंग के लिए शानदार अरेंजमेंट्स करने के लिए आपकी हृदय से प्रशंसा करता हूँ। मैं आज की मीटिंग के लिए ग्राउंड तैयार करने में हमारी टीमों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।